हरतालिका तीज के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, जरा सी चूक से वृत हो जाएगा खंडित। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हर साल की तरह इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत काफी कठिन माना जाता है, इसे दिन और रात दोनों समय लगातार रखना पड़ता है और इस दौरान महिलाएं कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने के नियम काफी कठोर होते हैं, ऐसे में यह व्रत बहुत सावधानी के साथ रखा जाता है। जरा सी सावधानी से व्रत खंडित होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, हरतालिका तीज का व्रत दिन और रात दोनों समय लगातार रखा जाता है। ऐसे में महिलाएं दिन के साथ रात को भी जागरण करते हुए शिव भगवान की और माँ पार्वती की आराधना करती हैं। ऐसे में यह खास ध्यान रखने की जरूरत है कि भूल कर भी इस दौरान सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित माना जाता है और उसका फल नहीं मिलता है। नंबर दो, भूल कर भी ना पिए पानी। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। इस दिन अन्न के साथ महिलाएं फलाहार भी नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, ये निर्जला व्रत होता है, यानी कि व्रती महिलाएं इस दिन जल या पानी तक ग्रहण नहीं कर सकती हैं। भूलवश अगर किसी महिला ने पानी पी लिया तो व्रत खंडित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।